मेरे सीसीटीवी कैमरे को मोदी जी मॉनिटर कर रहे थे कि केजरीवाल कितने बजे, क्यों? वो ये देखना चाहते थे केजरीवाल टूटा तो नहीं, केजरीवाल डिप्रेशन में तो नहीं है। मैं उनको कहना चाहता हूं, मेरे ऊपर भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद है, बजरंग बली का आशीर्वाद, ऐसे नहीं टूटने वाला केजरीवाल, ऐसे नहीं टूटने वाला केजरीवाल। इनको लगता है यूं ही टूट जाएगा, ऐसे नहीं टूटने वाला केजरीवाल। बड़ी तो एक तरह से एक खुंदक निकाल रहे थे पर्सनली, कोई भ्रष्टाचार का केस थोड़ी है। पता नहीं क्या खुंदक पाल रखी है मोदी जी ने मेरे खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ। वो क्रश करना चाहते हैं आम आदमी पार्टी को। लेकिन मोदी जी भगवान तो नहीं है ना, भगवान तो है, वो हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है। आज इनको सबसे ज्यादा डर किस चीज का लग रहा है? हमारे काम का। आज अगर हमने अच्छे काम नहीं किए होते दिल्ली में, ये दो मिनट में हमें क्रश कर सकते थे। आज हमने अच्छे काम किए, ये टीवी चैनल वाले ही, मैं देखा करता था अंदर सेल में बैठ के टीवी पे, जहां सड़क पे जाते थे टीवी चैनल वाले, जिससे पूछते थे, सब यही कहते थे, यार केजरीवाल ने स्कूल अच्छे कर दिए, उसको जेल में नहीं डालना चाहिए था, यार उन्होंने अच्छा काम किया उनको जेल, यही कहते हैं ना, पहली लाइन होती है काम अच्छा किया इसलिए जेल में नहीं डालना चाहिए था। हमने अगर काम नहीं किए होते तो जनता क्या कहती, निकम्मा है, अच्छा हुआ जेल में डाल दिया। हमारे काम की वजह से आज हमारी इज्जत है, हमारे काम की वजह से आज लोग हमें प्यार करते हैं, हमारे काम की वजह से बीजेपी हमसे डरती है। काम मत छोड़ना, काम करते रहना। अपने अपने इलाके में एमसीडी का सबसे बड़ा काम है साफ सफाई, साफ सफाई पे लगे रहना, वो मत छोड़ देना किसी भी हालत में, नहीं तो मेरे दिल को तकलीफ होगी, पक्की बात। साफ सफाई पे खूब ध्यान रखना। इनका मकसद है कुछ भी करके, इन्होंने मनीष को जेल में डाल दिया सोच के कि मनीष जेल जाएगा तो स्कूल बंद हो जाएंगे, होने नहीं दिया हमने, आतिशी ने संभाल लिया। इन्होंने सतेंद्र जैन को जेल में डाल दिया ये सोच के कि मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे, अस्पताल बंद हो जाएंगे, होने नहीं दिया हमने। अब इन्होंने केजरीवाल को जेल में डाल दिया कि दिल्ली बंद हो जाएगी, होने मत देना दिल्ली चाहे केजरीवाल को, जितने साल भी जेल जाना। मेरे को पिछले कुछ दिनों से पूरे देश भर से इंडिया गठबंधन के कई पार्टियों के कैंडिडेट्स के सबके इनविटेशन आ रहे हैं, जितना मेरे से बन पड़ेगा अगले 21 दिन में ज्यादा से ज्यादा जगह जाके और प्रचार के लिए मैं जाऊंगा। इंडिविजुअल कैंडिडेट्स के फोन आ रहे हैं, आप हमारे यहाँ भी आओ, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, महाराष्ट्र से, झारखंड से, जहां जहां बुलाएंगे, जहां जहां मैं जा सकूंगा मैं जरूर जाऊंगा, पूरी मेहनत करूंगा। और आपको भी मेहनत करनी है, जो अभी प्रियंका गौतम जी ने कहा कि थोड़ा ढीले हो गए हैं, अभी ढीले नहीं होना, आपको मेहनत करनी है। 2 तारीख को मेरे को वापस जाना है, 4 तारीख के नतीजे मैं जेल से देख रहा हूंगा। अगर आपने मेहनत की और अगर इंडिया गठबंधन जीत गया तो मैं 5 तारीख को वापस आ जाऊंगा, और अगर आपकी मेहनत में कमजोरी रह गई तो फिर देखो कब मिलेंगे। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे वाकई गर्व है कि मुझे आप जैसे साथी मिले, आप जैसे लोग मिले मेरे। तो यहां पर आप सुन रहे थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो लगातार जेल से बाहर आते ही किस तरह से मोदी सरकार पर, पीएम पर किस तरह से हमलावर हैं, और उन्होंने कहा कि मोदी जी हमारी पार्टी को तोड़ना चाहते थे। वापस लौट रहे हैं क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है लोकतंत्र के महापर्व का, जिसमें आज अपने वोट से अपनी सरकार चुनेंगे, अपना फैसला लेंगे और